भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें। बुधवार रात को मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे प्रौढ़ को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी में रहने वाले रमेश टुकड़िया हजारे उम्र 62 साल साइकिल से गांव लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार सोनम यादवराव दुखी उम्र 28 साल निवासी मोलडोंगरी ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों को चोटें लगी है, घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मोलडोंगरी टी पॉइंट के पास कलेक्टर अजय देव शर्मा के निर्देश पर पुलिस और आरटीओ विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान थाना निरीक्षक अजय मरकाम ने बसों की जांच करते हुए यात्रियों के लिए बस में नियमानुसार सुविधाओं को देखा। बसों में अग्निशामक यंत्र की वैलिडिटी के साथ फर्स्ट एड बॉक्स और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के साथ ही दस्तावेज जांचे। वहीं बिना हेलमेट के दुपहिया चालकों के चालान काटकर उन्हें हिदायत दी गई। इस दौरान आरटीओ विभाग ने बस क्रमांक MP41R0693 को 2022 से बिना टैक्स भरे परिवहन करते पाए जाने पर पुलिस थाने में खड़ा किया है। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा, वही पुलिस यातायात का पाठ पढ़ाती हुई नजर आई।